स्वागत करती हूँ। जो हमारा लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने जो है मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया हुआ है। मॉडर्न इंडिया में हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। अभी हमने पोर्चुगीज जो थे वो कवर किए हैं, कैसे उनका जो रूल है इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है, कैसे उन्होंने इंडिया को जो है पोलिटिकली इकोनॉमिकली इन सब चीज़ों में कैसे इफेक्ट किया है, इंडियन सोसाइटी को कैसे इफेक्ट किया है। उसके बाद हमने डच किए थे, जो डच का रूल था इंडिया में 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुई थी, तब फिनिश हो गया था बैटल ऑफ बिदारा, जिसको जो चिनशुआ या हुगली बैटल बोलते हैं। उसके बाद आए मीन्स हमने किया था इंग्लिश को। इंग्लिश में क्वीन एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चार्टर दिया था कब, 1600 में, एडी में, और उन्होंने इंडिया पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अब इंग्लिश जो थे इनमें रिसोर्सेज भी इनके पास काफ़ी थे, इनमें मिलिट्री भी इनकी अच्छी थी और इनकी जो आर्मी थी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी। इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा इनको एक तो बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल गई थी, इंडियन जो रूलर्स थे प्रिंसेस थे उनसे बहुत सारी प्रिविलेजेस भी इनकी मिल गई थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉर्स भी की हैं अपने जो एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। जो आज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डच, सॉरी ये फ्रेंच, फ्रेंच स्टार्ट कर रहे हैं। जो फ्रेंच है ये जो ये कहाँ के लोग थे, फ्रांस के थे, ये भी इंडिया में आए हैं। जब ये इंडिया में आए थे तो ये इंडिया में काफ़ी मीन्स पोर्चुगीज़ भी आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, इंग्लिश भी आ चुके थे। तो इनका जो इंडिया में आगमन है, इंडिया में जो इनकी एंट्री है, लेट ही हुई है। कब हुई है, 1664 में हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रांस का रूलर था, किंग था, फ्रांस का जो किंग था जिनका नाम था लुईस 14, ठीक है, इसका एक बहुत फेमस मिनिस्टर था, फेमस मिनिस्टर नेम्ड कॉलबर्ट, क्या नाम था उनका, कॉलबर्ट था। इन्होंने एस्टेब्लिश की है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बनाई है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन्होंने क्या बनाई है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई है, बता दिया था कब, 1664 में। जब ये कंपनी बनाई तो इस कंपनी को क्या दे दी गई, मोनोपोली दे दी गई, ठीक है, ग्रांटेड मोनोपोली टू ट्रेड, वो जो कंपनी है ट्रेड कर सके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पे, इंडिया, इन इंडिया एंड पैसिफिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियंस में जो भी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या कर सके, ये व्यापार कर सके। कितने ईयर्स के लिए, फॉर 50 ईयर्स के लिए ये मोनोपोली दे दी, फॉर 50 ईयर्स के लिए दे दी। अब जब व्यापार करना है तो आपको क्या करनी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए 3 साल के बाद कब, 1667 में, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक फैक्ट्री बनाई, सेटअप फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनाई है, कहाँ पे बनाई है, इन सूरत। तो पहली जो फैक्ट्री है जो फ्रेंच है उनकी कहाँ पे बनी है, सूरत में। कब बनी है, 1667 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लो, कब बनी है, 1667 में सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रेंच की। फिर उसके 2 साल के बाद 1669 में इन्होंने जो अपनी सेकंड फैक्ट्री बनाई है, कहाँ पे सेटअप की है, मिसौलीपट्टनम, कहाँ पे, मिसौलीपट्टनम में की है। ये मिसौलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है। उसके बाद इन्होंने जो है जो थे 1673 में चंदर नगौर में अपना जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डोमिनेंस की है, वहाँ पे टाउनशिप की है। ये चंदर नगौर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, नियर कैलकटा। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह बनाई हैं चंदर नगौर में। और जो इन्होंने जो है जो अभी भी आप अगर देखोगे, आप पौंडीचेरी में जाओगे, पौंडीचेरी क्या, यूटी है, इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे फ्रेंच जो है अभी भी लैंग्वेज बोली जाती है, अभी भी आपको फ्रांस के लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। तो जो इन्होंने फ्रांस था मीन जो जो पॉन्डुचेरी था इन्होंने सेटअप किया था, फ्रेंच ने सेटअप पॉन्डुचेरी, पॉन्डुचेरी जो था, ये जो जो टाउन था उसको एस्टेब्लिश किया था कब, 1674 में, तब इन्होंने पॉन्डुचेरी, इनको पॉन्डुचेरी जो टाउन है उसको एस्टेब्लिश किया था। अब और इनके ट्रेडिंग सेंटर और कहाँ कहाँ पे हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स, और इनके जो ट्रेडिंग सेंटर है वो है माहे में,
और कहाँ पे है? कराईकल में है, बालासोर में है एंड कासिम बाजार में है। तो ये प्लेसेस में इनके हैं। ये माहे कहाँ पे हैं? ये है मालाबार कोस्ट पे। मालाबार कोस्ट कौन? जो हमारा इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, जो एयर केरला का एरिया है, उसको बोलते हैं। कराईकल कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट जो है, ईस्ट कोस्ट जो इंडिया का, ठीक है। तो ये जो जो तमिलनाडु है उसके पास है, लेकिन ये जो कराईकल है ये इंडिया के यूटी में आता है, पौंडुचेरी में आता है। तो ये इंडिया के क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। और जो बैलासोर कहाँ पे आता है? उड़ीसा में। और कासिम बाजार वेस्ट बंगाल में। तो दीज आर द ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। दीज वर द ट्रेडिंग सेंटर जो थे फ्रांस, जो फ्रेंच के थे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो थी कंपनी उसको रीऑर्गेनाइज भी किया था, ये सब किया था। अब हम सीधा ये एक बात कर लेते हैं कि ये जो फ्रेंच थे, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो किसके साथ जो राइवल थे, किसके? इंग्लिश के। ये जो ब्रिटिशर्स के उनके राइवल्स थे, दोनों एक दूसरे के बहुत राइवल्स थे। इनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जो राइवल्स थे क्यों थे। एक तो ये यूरोप में ना, ये जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का की गद्दी पे कौन किंग बैठेगा, उसके उसके लिए वॉर चल चल रही थी। ऐसी जो स्पेन था, जो स्पेनिश सक्सेशन वॉर चल रही थी, स्पेन की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये कुछ रीजंस थे यूरोप के थे। ये जो राइवरी थी ये इनके पहले बिल्ड थी, ठीक है। सिर्फ इंडिया के कारण नहीं, कि इंडिया में व्यापार के ट्रेडिंग कारण नहीं हुई है कि वो भी कर रहे थे ये भी कर रहे थे, नहीं, यूरोप में इसका रीज़न था। ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे ना, तब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या रीज़न थे कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, फ्रांस और ब्रिटेन। अब हम सीधा आ जाते हैं कार्नेटिक वॉर्स के ऊपर। कार्नेटिक वॉर्स, ये जो कार्नेटिक वॉर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कार्नेटिक वॉर्स। आपका और भी, आपने अगर सीडीएस का एग्ज़ाम देना है, जो भी एग्ज़ाम देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कार्नेटिक का एरिया है कौन सा। कार्नेटिक ये कौन सा एरिया है? ये कर्नाटका का एरिया है? नहीं, कर्नाटका तो नहीं है ये, कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे। तो ये जो कार्नेटिक का एरिया, ये जो जो है ये जो कोरोमंडल कोस्ट है ना, कोरोमंडल मंडल ये कोस्ट है, ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है? ये जो तमिलनाडु का प्लस थोड़ा सा आंध्रा आता है, आंध्रा का। ये जो हमारा जो है ईस्टर्न कोस्ट है, वो एरिया है कोरोमंडल कोस्ट का। तो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? कार्नेटिक बोलते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था कार्नेटिक। तो यहाँ पे इस एरिया पे क्या हुई है? वॉर्स हुई हैं। कितनी वॉर्स हुई हैं? तीन वॉर हुई हैं। और इन वॉर्स का जब एंड हुआ, जब एंड हुआ, तो जो ब्रिटिश थे वो क्या थे? उन्होंने जीत गए वो। जब ब्रिटिश जीत गए, फ्रेंच हार गए, तो ब्रिटिश जो थी वही एक यूरोपियन पावर थी जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आगे फ्यूचर में मींस डोमिनेट करना था। अब जो ब्रिटिशर्स का जो यूरोपियन थे उनको सब ख़त्म कर दिया था उन्होंने। फ्रेंच जो थे बहुत बड़ी पावर थी, उनको उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। डच को डच उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। डच को वैसे भी उन्होंने पहले भी दारा में एलिमिनेट कर दिया था। तो बस अब उनका जो लोकल प्रिंसेस थे उनको एलिमिनेट करके एम्पायर खड़ा करना था। तो जब कार्नेटिक की जो वॉर्स हुई हैं उसमें ये तो हो गया कि ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं यही इंडिया पे रूल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्नेटिक की वॉर्स को। जो कार्नेटिक की वॉर्स हैं, जो पहली वॉर है, फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक वॉर, ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है इसका आपको टाइम याद रखना है 1740 से 48 तक। 1740 से 1748 तक ये वॉर हुई है। कितने? ये 8 साल ये वॉर चली है। किसके बिटवीन? बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश, इनके बीच में ये वॉर हुई है। अब इसका रीज़न क्या था? वही यूरोप में था। यूरोप में क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ
सक्सेशन चल रही थी, जिसके कारण इंडिया पे ये जो आपस में लड़ रहे थे। तो ये जब एंड हुई है, ये जो एंड हुई है वॉर कब हुई है, 1748 में हुई है। अब जब भी वॉर एंड होती है तो ट्रीटी होती है, ठीक है, किसी को गेन होता है, किसी को एक पार्टी जो भी विक्टोरियस होगी उसको गेन होगा, और जो लॉस करेगी उसको जो है जो भी हारेगी उसकी जो है उससे कुछ ना कुछ जो है छीना जाएगा। तो क्या हुई थी, एक्स ला चैपले जो है ट्रीटी हुई थी, क्या, एक्स ला चैपले, ठीक है, एक्स जो है एक्स ला चैपल जो है ट्रीटी हुई थी। ये जो एक मींस ये एरिया है फ्रांस में, एरिया इन फ्रांस, वहाँ पे ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जीता कौन था, किसकी जीत हुई थी, ब्रिटिश की हुई थी, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर जो था इस ट्रीटी में जो भी गेन होगा किसको होएगा, ब्रिटिशर्स को ही होगा ये गेन। तो क्या गेन हुआ, तब जो था जो मद्रास था ये फ्रांस के पास था, फ्रेंच के पास था, वॉज गिवन टू ब्रिटिशर्स, गिवन टू ब्रिटिशर्स। तो ये जो मद्रास जो था ब्रिटिशर्स को मिल गया था, फ्रांस को ही हार हुई इसलिए उनको ये जो मद्रास था देना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फ्रांस को ये देना पड़ा था, इसकी जगह पे जो फ्रांस था, जो फ्रेंच थी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मोर इंटरेस्टेड इन टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पे एक्चुअली जो नॉर्थ अमेरिका था वहाँ पे भी जो थी एक फाइट चल रही थी, किनके बिटवीन में, फ्रेंच के बिटवीन एंड ब्रिटिशर्स के बिटवीन चल रही थी। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ अमेरिका के कुछ टेरिटरीज किसको दे दी थी, फ्रेंच को दे दी थी, गिव टेरिटरीज इनको दे दी थी। और फ्रांस ने बोला कि हम मद्रास जो है इंडिया का वो हम ब्रिटिशर्स को दे देंगे। तो ये हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो अगर वो पूछेंगे कि व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो उसका एंड रिजल्ट क्या था, मद्रास किसको, इंग्लिश को मिल गया था। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ, वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा। ये एक बैटल हुई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थोम, ये बैटल हुई थी। ये जो सेंट थोम है ये फोर्ट है कहाँ पे, मद्रास में। तो ये बैटल हुई थी, किस किस के बिटवीन ये बैटल हुई थी, एक साइड पे फ्रेंच थे और दूसरी साइड पे कौन था, अनवर उद्दीन कार्नेटिक जो था नवाब था, क्या था, अनवर उद्दीन, ये कार्नेटिक नवाब था, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया आता है वहाँ का, उसका नवाब था। तो इनके बीच में हुई थी, अगर पूछ ले बैटल ऑफ सेंट थॉम किन के बीच में हुई थी, ये था किंग था, मुगल किंग था अनवर उद्दीन, और फ्रेंच के बीच में हुई थी। और इसमें किसकी जीत हुई थी, फ्रेंच की जीत हुई थी, ये जीत गए थे। ये जो अनवर उद्दीन है जब सेकंड कॉर्नेटिक वार आएगी इसका रोल फिर आएगा, इसकी हेल्प फिर ब्रिटिशर्स ने की थी, और तब जो थे फ्रेंच जो थे उनकी जो हार हुई थी, तो इसमें फ्रेंच जीत गए थे। तो अभी जो अभी का हमने जो लेक्चर किया है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक तो फ्रेंच कैसे इंडिया में आए, इनकी कौन सी इन्होंने कौन सी पहली फैक्ट्री बनाई, इनके ट्रेडिंग सेंटर कौन से थे, फिर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट कार्नेटिक वार किया था, उसका जो थी कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी का नाम था एक्स ला शैपल ट्रीटी थी, जिसमें मद्रास किसको मिल गया था, ब्रिटिशर्स को मिल गया था। उसके बाद हमने कौन सी वॉर की है, सेंट थॉम बैटल जो की थी अनवर उद्दीन और फ्रेंच के बीच में हुई थी, उसमें जो फ्रेंच थे वो जीत गए थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मुगल से, कैसे कैसे औरंगजेब की डेथ हुई के बाद कौन से मुगल आए हैं, क्या क्या रहा है, सब पार्ट को हम कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।